सभी भैयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन फीमेल काफ वाली गौ माता की मिल्किंग करके दिखा रहा हूँ, जिसके चारों थनों में बहुत ही प्यारा गैप है, ब्राज़ील नुमा गैप है चारों थनों के बीच में। आप देख सकते हैं कितनी हेवी गलकम्बल है और बहुत ही ब्यूटीफुल बछड़ी को जन्म दिया है इसने, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बछड़ी है और बिल्कुल इजी मिल्किंग गौ माता है। 20 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी है, बहुत ही शानदार गलकम्बल है और देख सकते हो आप बच्ची बहुत ही यूनिक, बड़े बड़े ब्रीडरों के पास नहीं मिले इतनी यूनिक बच्ची है इसके नीचे। और एडर का शेप और एडर की क्वालिटी बहुत ही यूनिक है, देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आगे ले थोड़ी सी, देखो थनों में गैप देखो आप, कितना प्यारा गैप है और ना भी देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं पूरी गाय दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बच्ची लेके चल अक्कू, इधर ही वापस वापस घूम जा। देखो आप कितनी शानदार प्योरिटी वाली गौ माता है, एडर का शेप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी पतली चमड़ी, चमकदार चमड़ी और बहुत ही यूनिक गौ माता है। और अब बांध ले मिल्किंग कर, देखो आप बांध दे, देखो आप बछड़ी की क्वालिटी देखो, गाय से ज़्यादा कीमत तो बछड़ी की क्वालिटी में है और बछड़ी की बहुत तगड़ी क्वालिटी है, फीमेल काफ है नीचे। अब इसकी मिल्किंग स्टार्ट करते हैं, ये पैर बांध रहे हैं। ठीक है, और पैर बांध के बच्चा छोड़ के बाल्टियां खाली आ चुकी है। सेकेंड टाइम मिल्किंग कर रहे हैं, दूध नहीं किला है, कल की डिलीवरी हुई भी है, कल डिलीवरी हुई थी इसकी और सेकेंड टाइम मिल्किंग हो रही है। बाल्टी खाली दिखा, करियो मिल्किंग स्टार्ट। हाँ ठीक है, कर दे। बैठ जा बड़े नीचे, दूध डाल दे बच्ची पे थोड़ा। और बिल्कुल बैलून की तरह, जैसे बैलून में हवा भरी जाती है और जैसे बैलून की हवा निकलती है वैसे दूध निकलते ही एडर बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए गाय की, उसी को गाय कहते हैं। ठीक है, तो बने रहे हैं वीडियो के अंत तक और बहुत ही अच्छी मिल्किंग वाला वीडियो देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छी प्योरिटी वाली पतली चमड़ी की गाय है, नीचे फीमेल काफ है, ब्रीडिंग पर्पज़ की काऊ है, प्योर बच्चे प्रोड्यूस करेगी और यूनिक से यूनिक कलर में, क्योंकि ये खुद भुवनेश्वरी पिट लाइन से है, पुरानी ब्लड लाइन की गाय है।
मैं थनों का आपको वो भी दिखा देता हूँ, कितनी साफ थनों की गाय है। देखो बिल्कुल गोल धार है, देखो आप। अक्कू वो वाले थन भी चलाइए रे। ओ अक्कू ठीक है, चल जाओ चेक करना चाहो, चल जाओ। क्या हो गया, तो आपको भी YouTube पर डाल देंगे। ये देखो, ये वाली भी देख लो, ठीक है। बाल्टी पड़ी है, ऐसा मत सोचना आपको पानिया नहीं डाल रहे हैं। मेरे पास और भी कस्टमर बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, महाराष्ट्र से आए हुए, ठीक है ना। सिर्फ आपको धार दिखाने के लिए जूम किया है, कस्टमर बैठे हैं, वो भी वीडियो में कवर कर दूंगा। क्या हो गया, तो वीडियो में दिखोगे, महाराष्ट्र में लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ हमने देखा था, देखा हूँ ना, जाओ सामने जाओ, हाँ गूगल लगा के जाओ ना। ऑल ओवर इंडिया देखेगा उसके सामने, बाजू से जा। हाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ये कस्टमर आए हुए हैं, इन्होंने दो गाय दूसरी ली है। कहाँ के हो भैया, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में वसई, तालुका वसई, वसई है क्या? वसई। जिला? जिला पालघर। पालघर महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपका बताओ। पठान। पठान हो आप? जहीर रहीम, रहीम पठान। आपके सेठ जी का क्या नाम है? विकास पाटिल। विकास पाटिल, विशाल पाटिल। अच्छा, कितनी गाय ली आपने? इधर देख के बोलो कितनी गाय ली? दो। अच्छा, दूध कितने टाइम नापा? दूध कितनी बार देखा आपने? तीसरा टाइम है, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताया उतना में हो जाएगा दूध? ताज़ा ब्याई हुई गाय थी, तीन चार दिन की ब्याई हुई गाय का दूध ना पाया है आपको? हाँ, जो मैंने बोला था ना, बड़े फ्रेम की गाय है, बड़ी गाय है, फीमेल काफ वाली गाय है, आप नज़दीक में आके देखो उसकी एडर देख के कोई नहीं कह सकता इतना दूध है, एडर से नहीं लगता उसके दूध, वो इतनी सी रखती है, दूध है उस गाय के, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है गाय का। दूसरी बाल्टी खाली कर रहा है ना, आकर खाली कर। कल कम खाली की थी ना, तो अब आज तो पूरी खाली करनी पड़ेगी, आपके सामने कल बेई थी है, कल आधी खाली कर दी, अब कर दी हमने 11 बजे खाली, कल शाम को तो बेई थी है, एकदम खाली नहीं कर सकते, एकदम खाली नहीं कर सकते ना। सीनापन दिखा रहे गाय का, मिल्की कितने अच्छे तरीके से निकला है, कीला है, हम बोलते हैं कीला है। कीला है, ये दूध तो है नहीं, आपको ही पता है। एक बाल्टी और ले और, ये बाल्टी में दूध नहीं आई, एक बाल्टी और खाली करके रखो पास में, नीचे उतार दे भी ना कौन उपने, तो ले आओ बाल्टी दो और साहब, बया नहीं आपने तो घोड़ी पी लिया हो बल्कि आन की भी। ऊंधी कर रखे पास में, हाईवे बंद है।
नौसारी में क्या हो गया? पानी बरसात हो रही है। अभी गाय को जाने में दिक्कत तो नहीं आई? अब तो उतर गया वो पानी, अपने को तो हाईवे साफ चाहिए बस। ओए ओए ओए, मोबाइल साइलेंट कर दे। ये तीसरी बाल्टी है, तीसरी बाल्टी 6 लीटर की। बच्चा नहीं ला, बच्चा ने फोन उठा के बोल दो भैया, थोड़ा बिजी है, मुझे दे दो, मैं ले कर लूंगा बात। आ रहा है क्या फोन? हाँ बाहू भाई, हाँ बाहू भाई, हाँ वो प्रोसेस में अटक गए, मेरा मोबाइल कैसे टावर पकड़ना कम बंद हो गया, इस चक्कर में प्रोसेस में अटक गए। अभी डाल दूंगा, और नहीं गए होंगे तो वापस डाल दूंगा। और हाँ हाँ मैं कर लूंगा बात। ओ हो कर, खाली कर, पिकअप आ गई ना, गेट खोल। वो कैल्शियम की बाल्टी कितने लीटर की आती? 15 लीटर की होगी। क्या? वो कैल्शियम की 20 लीटर की, 20 लीटर की बाल्टी है कैल्शियम की, विरबेक कंपनी का। गाय आ गई, गाय हम्म।
अब वो बरसात आती है तो तिरपाल लगा देते हैं, बरसात आती है तो तिरपाल लगा देते हैं। हाँ अंकल, क्या है बच्चा बच्ची लाल है क्या काला? चलो पूछ के बताता हूँ, कोई पे अपने को तो नहीं चाह रहा, कोई पूछ के बताता हूँ। चाय लिया बाल्टी, लिया नापेंगे नहीं, ये 20 लीटर की बाल्टी है, साढ़े तीन बाल्टी निकली है, 6-6 लीटर की बाल्टी है, देख लो आप। अब नापने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी गायें नापने के चक्कर में खराब हो जाती है, और गाय पूरी खाली हो चुकी है देख सकते हो आप। और जो मैंने आपको पहले बताया था बैलून की तरह खाली हो जाएगी, तो बैलून की तरह खाली हो गई है, ठीक है। और ये जो भाई साहब महाराष्ट्र वाले हैं, इनके सामने खाली की है और इनको 2 गायें दिए। लो देखो ना यार, देखने में क्या दिक्कत है, राम राम तो बोल सकते हो यार। राम राम, ठीक है भाई साहब। ने भी नमूचा लाने भी देखो।